नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी और आज हम सब मिलकर एक नई कविता सीखेंगे जिसका शीर्षक है धरती। नमस्कार दीदी, हम तैयार हैं कविता सीखने को। बढ़िया, तो देरी कैसी, शुरू करते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराना। हम धरती के पुत्र हैं प्यारे, धरती सबकी माता है। हम धरती के पुत्र हैं प्यारे, धरती सबकी माता है। इसकी सेवा करना हमको सबको बहुत ही भाता है। इसकी सेवा करना हमको सबको बहुत ही भाता है। माँ की सेवा करने को हम गुण सारे अपनाएंगे। माँ की सेवा करने को हम गुण सारे अपनाएंगे। खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रभु को शीश नवाएंगे। खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रभु को शीश नवाएंगे। जल और वायु स्वच्छ रखेंगे, घर को स्वर्ग बनाएंगे। जल और वायु स्वच्छ रखेंगे, घर को स्वर्ग बनाएंगे। धरती माँ की हरित ओढ़नी देखो कैसी न्यारी है। धरती माँ की हरित ओढ़नी देखो कैसी न्यारी है। इसकी रक्षा करनी हमको माता की फुलवारी है। इसकी रक्षा करनी हमको माता की फुलवारी है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। इससे सुखी बनेंगे सारे, माँ का वर भी पाएंगे। इससे सुखी बनेंगे सारे, माँ का वर भी पाएंगे। बहुत बढ़िया दीदी, मुझे तो याद भी हो गई। सुनाऊं? अरे हाँ हाँ सुनाओ। हम धरती के पुत्र हैं प्यारे, धरती सबकी माता है। इसकी सेवा करना हमको सबको बहुत ही भाता है। माँ की सेवा करने को हम गुण सारे अपनाएंगे। खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रभु को शीश नवाएंगे। जल और वायु स्वच्छ रखेंगे, घर को स्वर्ग बनाएंगे। आगे? धरती माँ की हरित ओढ़नी देखो कैसी न्यारी है। इसकी रक्षा करनी हमको माता की फुलवारी है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। इससे सुखी बनेंगे सारे, माँ का वर भी पाएंगे। बहुत अच्छे। जैसे हमारी माँ हमें जीवन देती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह धरती से उपजे अन्न और उस पर बहते पानी से ही हम सबका पोषण होता है। इसीलिए उन्हें भी हम माँ के समान ही आदर देते हैं। समझ गया दीदी, हम धरती के पुत्र हैं प्यारे। हाँ, धरती सबकी माता है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आपको तो कविता याद भी हो गई। अगले वर्ग में फिर मिलेंगे। चलती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।